नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल लटेरी के पास दलित महिला सरपंच के पति की हत्या कर दी गई। इसी तरह विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री पर प्राण घातक हमला कर दिया गया। यह स्थिति प्रदेश की कानून व्यवस्था की दृष्टि से शोचनीय है। इस बारे में चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा है कि समाज के दलित पीड़ित वर्गों की सुरक्षा एवं संरक्षण का काम गंभीरता पूर्वक किए जाने से प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत होगी। विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री लोक हितैषी कार्यों एवं समाज की संरचनात्मक गतिविधियों में संलग्न है, उन्हें भी निशाना बनाया गया है। ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। महिलाएं समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा एवं अमन चैन की सुदृढ़ कानून व्यवस्था का पैमाना है। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ संदेश नेमा। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर कुछ सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लटेरी के पास एक वाल्मीकि समाज से आने वाले सरपंच पति की हत्या कर दी गई और प्राण संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद के खगेंद्र भार्गव पर प्राण घातक हमला किया गया। इस विषय पर अपने विचार हमसे साझा करेंगे अशोक त्रिपाठी जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं लोक भारती संगठन के। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। इस विषय पर आपका क्या मत है? यह तो सरकार के लिए और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है जी। एक दलित शोषित पीड़ित वर्ग के कमजोर व्यक्ति की किसी भी विवाद में हत्या कर दी जाए, हत्या के बाद उस पर पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना, आगे रह के जिस समाज विशेष के लोगों ने हत्या की उस समाज विशेष के लोग उन हत्यारों को पनाह न देकर सामने लाते, यह एक आदर्श स्थिति होगी। जब यह नहीं हुआ तो निश्चित रूप से अन्य समाज या अन्य सामाजिक संगठन न्याय के लिए आंदोलन भी करेंगे, धरना भी देंगे, वहां जाएंगे भी। ये कितनी विचित्र बात है कि समग्र हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री, जो कि जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, जो अपेक्षा कामना से मुक्त होकर जी निश्चित रूप से पूर्ण कालिक के रूप में संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं, एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए और एक वर्ग विशेष के व्यक्ति इस बात को उठाया ना जाए, उन पर हमला कर देते हैं तो एक बात वो नहीं है। बात यह है कि किसी समाज विशेष का आतंक और दबाव कितना बढ़ रहा है, यह आने वाले समय के खतरनाक संकेत है जी। और मुझे लगता है कि त्वरित इस पर कार्रवाई करते हुए कानून व्यवस्था को और उन दोषियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आगे कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। भोपाल से खबर समाज जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।